नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ा पाठ 161 के माध्यम से आज बात करेंगे 27 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1153 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे, साथ ही साथ ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है पानी में मिला कोरोना वायरस का अंश, चौंकाने वाला मामला, कितना खतरनाक। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने, दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है दुश्मन। जिस तरह देश अंदर और बाहर के दुश्मनों से परेशान है, ठीक उसी प्रकार इंसान को भी बाहर के बीमारी और अंदर के कमजोरी से। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। मेलकॉलम फोर स्कॉटलैंड का राजा बने 1153 को, इंग्लैंड का राजा के रूप में जॉन की का ताजपोशी 1999 को हुआ। जेनेवा में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता जॉन कैल्विन को और उसके शिष्यों को शहर से 1138 को निकाल दिया गया। स्पेन ने न्यू ग्रेडा के विक्सरियलिटी के रूप में अपने दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश को 1717 में एकजुट किए। डेनव्यू की फ्रांसीसी सेना और वर्सबर्ग सेना के बीच विंटरथुर का युद्ध 1799 को हुआ, जिसमें हास्वार्क सेना ने उत्तरी पूर्व स्कॉटलैंड को नियंत्रण में सुरक्षित रखा। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपियन देश इटली, जो रोम के नाम से विख्यात है, के सम्राट 1805 ईस्वी को बनाया गया। ब्रिटिश आविष्कारक विट आक्रेस ने फिल्म प्रोजेक्टर का पेटेंट 1895 को प्राप्त किया था। जार निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम सम्राट के रूप में 1896 को ताजपोशी हुआ। अरब देश लेबनान में अपना संविधान 1926 को अपनाया। लेबनान का राजधानी बेरूत है। रिचर्ड ड्रू ने पारदर्शी सेलफोन टेप यानी कि सेलो टेप नामक चिपकाने वाला टेप का पेटेंट 1930 को प्राप्त किया। तब इस टेप का इस्तेमाल मोटर कारों की रंगते हुए उनके शीशे को रंग से बचाने के लिए किया जाता था। अमेरिका के सान फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट नामक दुनिया के एक सबसे खूबसूरत पुल का उद्घाटन 1937 ईस्वी को किया गया। मुंबई में तारापुर वाला एक्वेरियम का उद्घाटन 1951 ईस्वी को किया गया। कॉपीराइट बिल 1957 ईस्वी को पारित हुआ। 70 प्राकृतिक और 33 कृत्रिम द्वीपों का देश बहरीन में अपना संविधान को अंगीकार 1973 को किया। बहरीन का राजधानी मनामा है। 1994 ईस्वी को नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता रूसी लेखक अलेक्जेंडर सेल्केनिस्तिन पश्चिम में 20 वर्ष तक निर्वासन समाप्त करने के बाद स्वदेश लौटे थे। 1999 ईस्वी को बात्सवाना की सुंदरी पुले क्लेवा गोप को मिस यूनिवर्स चुनी गई और इसी साल विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार सेफी पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डरमन हेली तथा भारत के थॉमस कैरी को प्रदान किया गया और सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोदान बिलोसेकोच अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधी घोषित किया गया। सन 2000 को फिजी में महेंद्र चौधरी सरकार बर्खास्त, राष्ट्रपति मारा ने प्रशासन संभाला। 2002 को नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा को 3 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। सन 2005 को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया का नाम बदलकर स्वाने करने का निर्णय लिया गया। 2006 को इंडोनेशिया में आए विनाशकारी भूकंप से कम 2900 लोग मारे गए और हजारों लोगों घायल हुए। सन 2008 को केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस किया गया। सन 2010 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुरा में बालासोर जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और भारत के राष्ट्रपति
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने चीन के राष्ट्रपति हू जिंगताओ और प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ से हुई मुलाकात के बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रति समर्थन जताया। सन 2011 को ग्लोबल इंटरनेट सर्च इंजन गूगल अर्थ का लॉन्च हुआ। इस अब भारतीय शहरों में इसके जरिए स्ट्रीट व्यू से गली नुक्कड़ तक भी देखा जा सकता है। सन 2019 को फर्जी डिग्री पर लगाम लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रमाण पत्रों पर QR कोड लगाने का फैसला किया और छात्रा अपराजिता सिंह ने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को 37 सेकंड में पढ़कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सन 2020 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना कहा कि आरोग्य सेतु कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों को पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऐप है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म दिवस आज है। अबू जेद की उपाधि से याद किए जाने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने खल्दून का जन्म 1332 को, ख्याति प्राप्त आलोचक एवं निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1899 को, प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्रा का जन्म 1928 को, भारत के उद्योगपति एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता नितिन गडकरी का जन्म 1957 ईस्वी को, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म 1962 ईस्वी को, फिल्म के डायरेक्टर और अभिनेता मुकेश छाबरा का जन्म 1980 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान जिन्हें गद्य ब्रह्मा के नाम से ख्याति प्राप्त मिला है, कोंदुकूरी वीरेशलिंगम का निधन 1919 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन 1935 को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 को, भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह का निधन 1983 को, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता अजय कुमार मुखर्जी का निधन 1986 को, जो छठे बंगाल के चौथे और छठे मुख्यमंत्री के रूप में 3 छोटे कार्यकाल भी दिए थे। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जावाज सैनिक हंगपन दादा का निधन 2016 को, पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू बैंकर मुजतवा हुसैन का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज देवर्षि नारद जयंती, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि, श्री अजय कुमार मुखर्जी स्मृति दिवस, अशोक चक्र से सम्मानित श्री हंगपन दादा शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले 24 घंटे में 211,298 नए कोरोना केस आए और 3,837 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 283,135 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 75,684 एक्टिव केस कम आए। लखनऊ में सीवर के पानी में कोरोना वायरस का अंश मिला। व्हाइट फंगस के कारण COVID-19 के मरीजों की आंत में छेद का पहला मामला सामने आया। भारत में पहला नेशनल बैंक PNB घोटाले के भगोड़े आरोप मेहुल चक्सी को डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले में तेजी से बढ़ने के कारण सरकार ने महामारी घोषित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के बीटेक की छात्रा सामिया कौर को प्राइवेसी एवं डाटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार IAPP वेस्टर्न स्कॉलर 2021 से सम्मानित किया गया। रेल केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को अप्रैल 2023 को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। भारत के पहले कोरोना मरीज हरियाणा के 84 वर्षीय मोहम्मद सिंह को कोरोना इलाज के लिए दवा कॉकटेल दी गई। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को अमेजन कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया। भारतीय भारोत्तोलक अंचिता सिडली ने जूनियर विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अरुणा वेंकटरमन को वाणिज्य विभाग में DG के तौर पर नियुक्त किया। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति सोसो गुएसो द्वारा ओनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। पानी में मिला कोरोना वायरस का अंश, चौंकाने वाला मामला कितना खतरनाक। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच कोई चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अब लखनऊ में सीवर के पानी में कोरोना वायरस के अंश मिले हैं, जिससे लोगों में एक अलग किस्म का डर बैठ गया है। सीवेज में कैसे पहुंचा वायरस, यह समझा जा रहा है कि संक्रमितों के स्टूल से कोरोना वायरस सीवेज में पहुंचा। बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके लिए माना जा रहा है कि उनके मलमूत्र या अन्य माध्यमों से कोरोना वायरस का अंश सीवेज में पहुंचा हो। ऐसे सुदूर ग्राम गांव देहात में संक्रमित तालाब नदी नाले की पानी कोरोना वायरस से दूषित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, और वही पानी विभिन्न स्रोतों से पीने के लिए हमारे किचन तक पहुंचना निश्चित है। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर RK धीमन ने बताया, सीवर के पानी में कोरोना वायरस के अंश मिले हैं। यह मृत वायरस है, इसे संक्रमण होना नहीं होता है। डॉक्टर साहब का सीवर में पाए जाने वाले वायरस मृत वायरस है, इसे संक्रमण नहीं होता है। तो चलिए गूगल देख लेते हैं। अब गूगल में जाकर हम लोग टाइप करते हैं वायरस और सर्च करते हैं, देखते हैं क्या वायरस का प्रकृति के बारे में क्या कहा जा रहा है। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि कर सकता है। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं और शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो भी वायरस पानी में पाया गया है वो मृत होगा, यानी कि शरीर के अंदर ही यह जीवित रह सकता है, चाहे वो पेड़ हो या जीव जंतु हो, और इसी से अपना पुनरुत्थान करने के बाद रोग सृष्टि करता है। तो चलिए क्लियर हो गया कि ये विषाणु जो है शरीर के अंदर जीवित रहता है और बाहर मृत रहता है, यानी कि बाहर कहीं भी मिले ये मर जाता है, यानी कि मृत अवस्था में सुप्त अवस्था में पाया जाता है। इसे साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।